वेलकम बैक टू किम्पीज किचन। आप देख रहे हैं मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है, तो इस प्यारे मौसम में चलते हैं और व्हाइट सॉस पास्ता बनाते। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बॉइलिंग वाटर लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है। अब मैं ये पास्ता डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने इस साइज़ के 2 कप्स डाले हैं। अब मैं इसको एक स्पून से अच्छे से स्टर करूँगी और 2-3 मिनट अच्छे से स्टर करने के बाद आपका पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम इसका पानी निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और जिसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और साथ में मैं बटर स्टर कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा डालूँगी, आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको अब अच्छे से स्टर करूँगी जब तक ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज ना कर ले, मतलब ब्राउनिश टाइप्स। अब इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। आप चाहे तो क्रस्ट गार्लिक भी डाल सकते हैं, बट इससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब मैं इसको अच्छे से स्टर कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 कप मिल्क डालूँगी धीरे धीरे लो फ्लेम पे। आप इसको धीरे धीरे स्टर करते रहें और अपनी फ्लेम को लो ही रखें। ध्यान रहे कि ये रेसिपी लो फ्लेम पे ही बनेगी। तो हमारी ये वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर स्वीट कॉर्न डालूँगी बॉईल किए हुए। आप चाहें तो आप और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर डालेंगे, आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और स्टर कर लूंगी। अब मैं ये बॉईल किया हुआ पास्ता मिक्स करूंगी वाइट सॉस के साथ। ध्यान रहे कि आप अपना पास्ता धीरे धीरे मिक्स करें ताकि वो खिले खिले लगे। तो गाइस, ये पास्ता बिल्कुल रेडी है और इसको सर्व करें ऊपर से सीजनिंग डाल के। मज़ा आ गया। तो कैसी लगी गाइस आपको मेरी ये इजी रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।